दिल्ली सीएम हाउस में क्या स्वाति मालीवाल से सच में मारपीट की गई? क्या एक और आप नेता का छूट सकता है पार्टी से साथ? स्वाति मालीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली से राज्यसभा की सांसद है। मालीवाल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की मुख्य सदस्य थी। उन्होंने सार्वजनिक शिकायतों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार बनने के बाद मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। व्यक्तिगत जीवन में स्वाति मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता एक एयरफोर्स अधिकारी थे और उनकी मां एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल है। इन्होंने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल और फिर जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अपनी पढ़ाई करी और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद वे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ एनजीओ परिवर्तन में शामिल हो गई। उनकी शादी वर्ष 2012 में नवीन जयहिंद से हुई थी। उनकी और जयहिंद की मुलाकात जन लोकपाल और आरटीआई आंदोलन के दौरान शुरुआती दिनों में हुई और वे टीम अन्ना हजारे के कोर ग्रुप का हिस्सा थे। नवीन लोकसभा चुनाव के लिए रोहतक से आपके उम्मीदवार थे और फरवरी 2020 में इस जोड़े ने अलग होने का फैसला कर लिया। 8 साल चली इस शादी से स्वाति मालीवाल खुश नहीं थी। सुश्री मालीवाल और श्री केजरीवाल पहली बार सूचना का अधिकार विधेयक पारित करने में अपने योगदान के लिए सुर्खियों में आए, जिसे सरकार की जवाबदेही में सुधार हुआ। दिल्ली महिला आयोग व भारत में महिला आयोग का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी स्वाति मालीवाल। उनके कार्यकाल के दौरान DCW ने घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड हमले और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों के 17 लाख से अधिक मामलों को संभाला। ये पिछले अध्यक्ष के कार्यभार से 700% की तीव्र वृद्धि है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट होने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को PCR कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। अब चूंकि कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि सीएम के कहने पर उनके निजी सचिव विभव कुमार ने उनसे मारपीट की, तो मामला गंभीर बन ही जाता है। घटना के करीब 1.5 दिन बीत जाने के बाद अभी तक ना तो सीएम हाउस से कोई खंडन आया है और ना ही स्वाति मालीवाल की ओर से घटना के बारे में कोई जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने आई थी, हालांकि उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुछ और निकटवर्ती लोग पार्टी से मुख मोड़ चुके हैं? आखिर स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल जैसे हाईली क्वालिफाइड लोगों के बीच ये मारपीट की नौबत क्यों आई? क्या इन चुनावों के मौकों पर केजरीवाल पर लगे ये आरोप पार्टी के लिए खतरे के संकेत नहीं है? क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? केजरीवाल अभी तो जेल से बाहर आए ही थे और जेल से बाहर आते ही इतना बड़ा मामला। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आखिर स्वाति मालीवाल ऐसा क्यों कह रही हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यह सच है कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई है? क्या यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट हो सकता है? अगर यह सच है तो विभव कुमार के खिलाफ कार्यवाही कब होगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समय समय पर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहते हैं और आम आदमी पार्टी के अपने राज्य दिल्ली में ऐसा होना, वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, आम आदमी पार्टी की साख पर सवाल खड़ा करता है। सवाल खड़ा करता है आम आदमी पार्टी के महिला सुरक्षा के एजेंडे पर, सवाल खड़ा करता है महिलाओं की सुरक्षा पर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि स्वाति मालीवाल आखिर कहना क्या चाहती है। अगर ऐसा सच में हुआ है
तो अब तक स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं? क्या केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को समझा दिया है? क्या स्वाति मालीवाल समझ गई है? ये सवाल मैं छोड़े जाता हूं आपके लिए। धन्यवाद।